हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक पंजाबी चिकन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पंजाबी पालक चिकन। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है फ्रेंड्स, और पंजाब में ये बनाया जाता है। इसको आप रोटी पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बनता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को फुल देखें, रेसिपी को घर पर ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। अब हम यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता। मक्खन जैसे ही मेल्ट हो जाए, इसमें हम ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे और इन्हें भुनने देंगे। यहाँ पे मैंने चार बड़े प्याज को स्लाइस करके रखा है, इनको हम तेल में फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी पक जाए, और इन्हें ट्रांसलूसेंट होने तक हम पकाएंगे। ये सॉफ्ट हो जाए इसीलिए हम इसे ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं पहले से। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे। और हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो चिकन के जूसेस है वो इंटैक्ट हो जाए। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, ये 4 टेबलस्पून के अराउंड हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से 2 मिनट के लिए। अब हम इसे ढक के लो फ्लेम में इसे थोड़ा पकने देंगे, और तब तक हम एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हमने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, और जीरा पाउडर ले रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी ले और इसे घोल के एक हम मसाला पेस्ट बना लेंगे। पाँच मिनट बाद हम लिड को खोल के देखते हैं, आप देख सकते हो इसमें से पानी निकल गया है चिकन का। और अब हम इसमें मसाला पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर से इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम। यहाँ पे मैंने पालक के पत्तों को पहले से धो के साफ़ करके रख दिया है। एक वेसल में पानी बॉयल करेंगे और इसमें पालक के पत्तों को डाल देंगे। इसे 2 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ब्लांच होने देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे इस तरह, आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको यहाँ से निकाल के हम एक वेसल में अलग से रख देंगे, जिसके अंदर हमने आइस क्यूब्स रखे हैं, ठंडा पानी रखा है, ताकि पत्तों का रंग इंटैक्ट रहे, ग्रीन रहे। और इसका हम पेस्ट कर लेंगे बाद में। अब हम चिकन में डाल देंगे टमाटो का प्योरी। टमाटो हमेशा लास्ट में डालते हैं क्योंकि ये कुकिंग की स्पीड को स्लो कर देता है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो पालक का पेस्ट बनाया था वो, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसे 4-5 मिनट के लिए कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम में। और तब तक हम एक तड़का बनाते हैं। तड़का पैन ले ले, उसमें हम डालेंगे मक्खन और इसे पिघलने दें। और अब हम इसमें एक सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, और ये रहा लहसुन, और हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक को मैंने जूलियन करके रखा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे हींग, 1 चुटकी हींग का,
और ये सूखी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च हम इसको कलर देने के लिए डाल रहे हैं। अब हम इसको तड़का को डाल देंगे कढ़ाई में। ये मैंने कस्तूरी मेथी को रोस्ट करके रखा है, उसको हम हाथों में इस तरह लेके क्रश करके ऊपर से डाल देंगे, इससे भी इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये मैंने एक बड़ी इलायची को पाउडर करके रखा था, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे बहुत ही आराम से इसको मिक्स कर लेंगे एक फाइनल मिक्स। और ये हमारा पालक चिकन रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।